दूसरा पहलू की टीम आज निकल रही है कोटपुतली विधानसभा सीट से कांग्रेसी विधायक राजेंद्र यादव से मिलने और उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू जानने के लिए। कोटपुतली स्थित विधायक जी के निवास पर पहुंचते हैं और शुरू होता है इनकी जिंदगी के फलसफे को कुछ करीब से जानने और समझने का दौर। सीधे साधे और नरम स्वभाव के मालिक राजेंद्र यादव को सियासत में महारत हासिल है और ये काम को ही सर्वोपरि मानते हैं। नवंबर 1959 को उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के गांव में जन्मे राजेंद्र यादव की शुरुआती शिक्षा दीक्षा इनके गांव में हुई। इनके पिताजी ठाटवाड़ी से नैनीताल आए और यहां खेती की जमीन खरीदकर यहीं बस गए। इसके बाद बालक राजेंद्र यादव अपने गांव ठाटवाड़ी में आकर बस गए। पढ़ाई के साथ साथ ये काम में अपने पिता का भी हाथ बटाने लगे। पढ़ाई और खेती बाड़ी दोनों साथ साथ करते राजेंद्र यादव आगे बढ़ते गए। एजुकेशन मेरी कुछ दिन यहाँ राजस्थान में ठाठवाड़ी गांव है, शुरू में कुछ दिन मैं यहाँ पढ़ा। वहाँ उस समय वहाँ जहाँ हमारा फार्म था नैनीताल ज़िले में, वहाँ पढ़ाई का स्कूलिंग वगैरह का नहीं था। फिर चौथी से वापस वहाँ मैं हल्द्वानी एक जगह है, वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की और दसवीं फिर किच्छा से की, बारहवीं की उसके बाद कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से बीए किया। पढ़ाई के बाद इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। इस दौरान ये समाज सेवा के काम से भी जुड़ गए। वर्ष 1977 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। शुरू से ही कांग्रेसी विचारधारा में यकीन रखने वाले राजेंद्र यादव एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के साथ जुड़कर काम करने लगे। कई वर्षों तक क्षेत्र में सक्रिय रहने के बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कोटपुतली सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 993 वोटों से हार गए। इतने कम अंतर से हारने के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये उसी जुनून के साथ अपने काम में जुटे रहे और अगले 5 वर्षों तक क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर देते रहे। इस दौरान पार्टी ने इन्हें छोटी बड़ी कई जिम्मेदारियां दी। चुनाव के समय कई राज्यों में ऑब्जर्वर भी बनाया इन्हें। राजनीति का जो चस्का था वो तो 1980-81 के दौर में शुरू हुआ, मगर हम लोग जिस परिवार से हैं, हम लोग मेहनत करके काम करके आगे बढ़ना था, मन बढ़ा करके कांग्रेस पार्टी में गया। उस समय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। शीशराम ओला जी से मिला, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सेवा की भावना से राजनीति में आना चाहते हो तो ज़रूर आओ, आपका परिवार सक्षम है, आप सक्षम हो, अच्छे विचार रखते हो, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। सौभाग्य से मुझे 2008 का टिकट मिला। संघर्ष था और मैं मात्र 893 वोटों से चुनाव हारा। चुनाव हारने के बाद मुझे लगा कि शायद राजनीति मेरे लिए ठीक नहीं होगी, पर मैंने कभी हार माननी स्वीकार नहीं की थी। और यहाँ जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके की विकास की ज़रूरत थी, वो मन में एक पीड़ा थी, उसको लेकर के मैंने दोबारा से ये मन बनाया कि मुझे मेहनत करनी और लोगों की सेवा करनी। और लगातार 5 साल मैं अपने क्षेत्र की विकास की लड़ाई, क्षेत्र के लिए उद्योग धंधों की बात, रोजगार की बात, हर पहलू पे मैंने पूरी ताकत से मेहनत की। राजेंद्र यादव ने हर जिम्मेदारी को न सिर्फ बखूबी निभाया बल्कि अपनी तरफ से पार्टी को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके बाद वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इन्हें एक बार फिर इसी सीट से मैदान में उतारा। एक तरफ जहां पूरे ही प्रदेश में भाजपा की आंधी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र यादव ने
26,000 वोटों से जीत दर्ज कर अपने विरोधियों को बता दिया कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ इनके नाम का तूफान था। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास था कि मैंने पिछले 5 साल में एक एक ढाणी गांव-गांव मोहल्ले मोहल्ले तक लोगों से मिल के, लोगों के दुख में सुख में उनके साथ रह के, एक भावना थी कि जनता मेरे साथ है। और उसका रिजल्ट भी आया। कोटपूतली के ये 14वां चुनाव है विधानसभा का। आज तक यहाँ जो मैक्सिमम जीत हार हुई है वो 6,000 से हुई है। पहली बार ये जीत 25,000 लगभग 973 वोट से ये हम लोगों ने चुनाव जीता। ये मेरा, मेरे साथियों का, मेरे समर्थकों का, इन सब का इसमें योगदान रहा। और आज भी हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कोटपूतली के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रहें। कोटपुतली से कांग्रेसी विधायक राजेंद्र यादव शुरू से ही कठिन परिश्रमी रहे हैं। खुद का कारोबार हो, समाज सेवा हो या फिर राजनीति, हर एक मोर्चे पर पूरी हिम्मत और जोश के साथ डटे हुए हैं ये। अल सुबह बिस्तर छोड़ देने वाले विधायक राजेंद्र यादव सबसे पहले मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ते हैं। घर के गार्डन में ही चहलकदमी करते हैं। इस दौरान इनका पालतू डॉगी भी इनके साथ होता है। इसके बाद इसी गार्डन में बैठकर चाय पीते हैं और अखबार वगैरह पढ़कर देश दुनिया की खबरों से वाकिफ हो लेते हैं। सुबह लगभग मैं 5:30 और 6 के बीच में उठ जाता हूँ और सबसे पहले नींबू पानी पीकर फ्रेश होके उसके बाद मैं करीब करीब 40 से 50 मिनट वॉक और हल्की एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद एक कप चाय और पेपर आ जाता है, पेपर पढ़ता हूँ। लगभग 5-6 तरह के पेपर, उनको पूरा पढ़ के 8:30 बजे तक तैयार होता हूँ। इसके बाद तैयार होकर पूजा पाठ करते हैं और फिर वक्त होता है नाश्ता करने का। व्रत के दिनों में खान पान का विशेष ख्याल रखा जाता है। सुबह एक कभी फ्रूट और दूध, कभी जूस और कोई दही के साथ कुछ आलू या कुछ, क्योंकि सारा दिन बाहर रहते हैं तो कुछ हल्का ले करके कभी जो है खाली चाय के साथ कुछ ले लेते हैं। तो अलग अलग जैसा जो बना देते हैं वैसे। नाश्ता कर विधायक जी निकल पड़ते हैं क्षेत्र के दौरे पर। सबसे पहले पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, साथ ही क्षेत्र से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। आम लोगों के बीच में बहुत अच्छा व्यवहार है साहब का, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, मिलते हैं लोगों से, बैठते हैं, बात करते हैं, जो समस्या होती है उनका समाधान करते हैं। मैंने कई MLA देखे हैं और कई के काम भी देखे हैं। मैं किसी ना किसी उसमें हमेशा रहूं और इनका काम बहुत ही सराहनीय रहा है, पूरा काम किया है। आम आदमी से उन्होंने संपर्क किया है, बेमतलब के झंझट में पड़ते नहीं है, झगड़ा हो जाता है तो उनको बैठ कर फैसला कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ से निकल कर एक स्कूल पहुँचते हैं। कई वर्षों पहले इनके पिता और दादाजी ने अपनी जमीन पर इस स्कूल का निर्माण करवाया था। स्वागत हम करते हैं, अभिनंदन हम करते हैं, ये मान दिया आपका हृदय के अंदर बसा हुआ सम्मान आपका, ये स्वागत हम करते हैं, अभिनंदन हम करते हैं। मेरे दादाजी की इच्छा थी कि आप गांव में कोई स्कूल जरूर बनवाओ। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था उस समय,
तो हमारे पिताजी ने ये सोचकर 1959-60 में एक बिल्डिंग का निर्माण किया और 1961 में उसको 5वीं तक का विद्यालय शुरू किया, जिसको राजस्थान सरकार ने मंजूरी दी और वो विद्यालय सरकार को हम लोगों ने वो 16 बीघा जमीन और बिल्डिंग सरकार को दान पत्र लिखा स्कूल का और सरकार द्वारा वो स्कूल चलाया गया और समय के साथ वो क्रमोन्नत होते होते आज 10+2 का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। खुद विधायक जी भी कोटपुतली में एक स्कूल खोल चुके हैं। इनका स्कूल कस्बे के सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में से एक है। इस स्कूल को इनका बड़ा बेटा संभाल रहा है। विधायक जी अक्सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। बच्चों में और स्टाफ में एक प्रेरणा जाती है, यदि केवल क्योंकि प्रिंसिपल का काम तो डेली ही बच्चों से या स्टाफ से बातचीत करने का, इंटरेक्ट करने का, उन्हें डेली निर्देश देने का है, लेकिन जब विद्यालय के चेयरमैन आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या परेशानी है, स्टाफ से पूछते हैं क्या परेशानी है, आप बच्चों का स्तर ऊपर उठाने, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए क्या कर रहे हैं, मेरी ये उम्मीदें हैं आप लोगों से, आप लोगों को मेरे से क्या उम्मीदें हैं मुझे बताइए, तो निश्चित रूप से जो संदेश जाता है वो ऊपर से नीचे तक एक ऐसा जाता है कि मैनेजमेंट शिक्षा के बारे में सीरियस है। शुरू से एक बिजनेस के साथ हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो एक मन में था कि जो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पाई, क्योंकि गांव से हम लोग आते हैं, उन चीज़ों को हम गांव तक पहुंचाएं, तो उसके लिए हमने ये चूज़ किया, क्योंकि कोटपुतली क्षेत्र जो है वो बिल्कुल मेरा अपना क्षेत्र था और मुझे लगता था कि यहाँ के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दें ताकि यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर्स, पैरामिलिट्री में, आर्मी में यहाँ से बच्चे निकलें और आगे बढ़ें। कोटपुतली से कांग्रेसी विधायक राजेंद्र यादव कुछ देर बच्चों के बीच स्कूल में रुकते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने गांव ठाठवाड़ी के लिए। गांव पहुंचकर अपने पुश्तैनी घर पहुंचते हैं। बहुत पुराना हमारे को तो याद भी नहीं, पैदाइश से पहले हमारे परदादा जी के टाइम के का बना हुआ है और हमारी बचपन की यादें हैं। मेरी दादी यहाँ इसी में रहती थी, हमारा बचपन इसी में बीता है और उस समय के हिसाब से अब तो यादें ही रह गई हैं सब। यहाँ मंदिर में जाते हैं, साथ ही गांव वालों के साथ बैठकर चाय पीते हैं और गप्पे हाँकते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद विधायक जी अब पहुंच रहे हैं अपने घर। घर पहुंचकर अपनी दो नन्ही और प्यारी सी पोतियों के साथ वक्त बिताते हैं। मानो विधायक जी की जान इन्हीं में बसी है। घर पर होते हैं तो ज्यादातर वक्त इन्हीं के साथ बिताते हैं। इसी वक्त सारे तेरे हैं, तू फिर खेलेंगे कैसे? फिर अब क्या खेलना है? ऐसी ले लो कोई नहीं। अब तू सारी चीजें मत लड़, ये देख ये देख, ये मेरा है, ये तेरा है, तुम इनके संग खेलने के। यार एक मिनट, अब बताओ क्या कर रहे हो? हमने ईंटें बनाया अपने, क्लाउड, ये क्लाउड है अच्छा। कभी सुबह कभी शाम को जब भी मौका मिलता है इनके संग आधा घंटा खेलते हैं, सारी थकान उतर जाती है और एक मन के अंदर दोबारा से वो होता है कि भाई जो बच्चों के संग खेल के एक अलग से उत्साह आता, और दोनों ही खूब लड़ती भी हैं, खेलती भी हैं। परिवार में पिता के अलावा पत्नी और दो बच्चे हैं। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। पिता से लेकर पत्नी और बच्चे सभी इनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। स्कूलिंग हॉस्टल से भी बोर्डिंग में थे तो पापा नैनीताल जब हमें लेने आते थे तो कैब, कई बार उनको ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो ड्राइविंग करके कभी
रानीखेत, अल्मोड़ा, कोसानी, तो वहाँ शाम को बैठना और पूरा दिन उनके संग गाड़ी में गप्पे मारना, हंसी मजाक करना। तो गाड़ी में अकेले तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, बाहर कम करते हैं, तो अच्छा है काफ़ी। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। पापा ने कभी हमें बचपन से कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, और कभी हमें किसी, चाहे कुछ भी था, कभी किसी चीज़ के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। तो उस वजह से हमने भी कभी किसी, ना किसी गलत आदत में पड़े, ना किसी और किसी चीज़ में, किसी चीज़ की बहुत इच्छा हमें नहीं हुई, क्योंकि पापा ने कभी कोई भी चीज़ हमें ना मना करी, ना चीज़ कभी एक्सटेंडेडली हमें दी। तो उस वजह से हमें ये अच्छा लगता है कि हम कोई ना गलत आदतों में पड़े, ना कि आप किसी चीज़ को रोकते हो तो आपको उस चीज़ को और ज़्यादा करने का मन करता है। तो इस वजह से हमें एटलीस्ट ये चीज़ रही कि हम मेंटेन करके चले। विश तो इतनी नहीं रहती थी, ज़्यादातर तो ये होता था कि हमारी छुट्टियाँ हैं, आना है, हमारा फुटबॉल का मैच है, आपको देखने आना है, तो उसमें करीब करीब हर जगह वो पहुँचते थे। और उसके अलावा मटीरियलिस्टिकली तो कोई ज़्यादा विश कभी हुई नहीं। हाँ ये है, अब बड़े हो गए हैं तो काम खुद संभालने लग गए हैं। पापा बिजी हैं अपने नेतागिरी में, हम बिजी हैं धंधे में। पापा से हमारी बिजनेस के रिलेटेड डेली ही बात होती है, और डेली ही सुबह हम दोनों भाइयों को रहता है कि पापा का जब तक सुबह 9 बजे 10 बजे फ़ोन आता है, तो जब तक हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हो कि भाई पिछले दिन क्या है, क्या हुआ है, क्या करा है हमने, तो वो चीज़ हमारी डेली ही एक डिस्कशन चलता है बिजनेस के रिलेटेड। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे सास ससुर हैं, बिल्कुल ही बेटी की तरह हमें किया है। पापा से, पापा क्योंकि यहाँ ज़्यादा रहते हैं इसलिए थोड़ा कम रहता है। मम्मी से तो, मम्मी तो हमारे साथ ही रहती है तो मम्मी से तो रोज़ रोज़ का ही है। पापा अच्छा लगता है, कम आते हैं आजकल, पहले ज़्यादा था, अब फिर भी थोड़ा कम हो गया है, पर अच्छा लगता है जब पापा आते हैं, खूब बात होती है, बैठते हैं सब इकट्ठे, बच्चे सब लोग जाते हैं बाहर जब पापा आते हैं। बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है, कभी ऐसा नहीं देखा था। पहले फादर आर्मी में थे, इनके भी फादर आर्मी में थे, विलेज से हैं, एक ही गांव से। बहुत अलग लाइफस्टाइल रहा है, यहाँ आने के बाद एकदम ही चेंज हो गया है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब मैं बिजनेस कर रहा था अकेला, बच्चे उस समय पढ़ते थे, आज इन दोनों ने बिजनेस संभाल लिया है, और मैं अपने टाइम शेड्यूल को बहुत सिस्टम से चलाता हूँ, और हर चीज़ का इनको, इसलिए कि कोई गाइडलाइन आपस में देनी हो या कोई चीज़ समझनी हो, कोई डिसीजन देना हो, तो मैं सुबह इनसे एक बार बात करता हूँ। और उसके बाद वैसे भी मेरी एक आदत रही है कि बिजनेस में, जब भी मैं, मेरे बिजनेस थे तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा उनके अंदर, अपने स्टाफ में डिसीजंस उन पर छोड़ता था। पत्नी के मुताबिक इनके विधायक पति ने हर हाल में परिवार को वक्त दिया, वक्त वक्त पर बच्चों को घुमाने ले गए और इनकी खुशियों का भी ख्याल रखा। उन्होंने बच्चों को हमेशा पूरा टाइम दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ उनकी पेरेंट्स मीटिंग होती है, कुछ भी होता था, ये हमेशा उनके हॉस्टल में पहले खड़े मिलते थे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों को फील हुआ हो कि पापा नहीं आए या मम्मा नहीं आई, हम लोग हमेशा जाते थे, तो ये हमेशा मतलब बच्चों को उन्होंने पूरा टाइम दिया। दिल्ली से बॉम्बे आए थे, हम 7th 8th में थे, तब बाय रोड गए, बीच में आगरा, ग्वालियर, मांडू, ऐसे अजंता, अलोरा, वापसी में उदयपुर, जयपुर होते हुए, तो ऐसे बहुत जगह। पापा तो खैर ड्राइविंग खुद भी करते हैं, लेह लद्दाख बाय रोड खुद जाए गए कई जगह, तो काफ़ी टाइम आता है। बट एक चीज़ ज़रूर थी, जब हम बोर्डिंग में थे तो हमारी छुट्टियाँ कभी नहीं मिस करते। पहले जितना समय हम निकाल पाते थे उससे आजकल ज़्यादा ही समय निकाल रहे हूँ। MLA बनने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ हम साथ गांव में जाते हैं, बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं गांव में जो ब्याह शादियों के, जहाँ हम दोनों साथ ही जाते हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाऊँ यहाँ क्षेत्र में, वहाँ मैं इनको भेज देता हूँ। और ख़ासकर जो धार्मिक प्रोग्राम होते हैं गाँव में, कथा या इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, तो मेरा आधा भार उसमें कम कर देती है। हिंदी फिल्में देखने के शौकीन विधायक जी कई बार स्कूल बंक कर शोले फिल्म देख चुके हैं, इसके लिए कई बार टीचर्स और माता पिता की डांट भी खानी पड़ी थी इन्हें। उस दौर में धर्मेंद्र की पिक्चरें आती थी, अमिताभ बच्चन की जंजीर आई, धर्मेंद्र की शोले, प्रतिज्ञा, ये पिक्चरें उस टाइम काफ़ी
आई थी और ये इनको शौक से सभी लोग हम देखने जाया करते थे। शोले पिक्चर के लिए जरूर हम लोग एक बार स्कूल बंक करके दोबारा पिक्चर देखने गए थे शोले। कार ड्राइव करने का भी इन्हें खासा शौक है। अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ कई बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुद ही कार ड्राइव कर चुके हैं। बचपन से गाड़ी चलाने का शौक था और मैं शुरू में ट्रैक्टर चलाना सीख रहा था। जीप थी मेरे फादर साहब के पास, तो उस जीप में कभी कभी पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी मिला करती थी, जाके पेट्रोल डलवा लो। तो वहाँ से शुरू हुआ और मैं जो है लेह लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश में सारा हिमाचल, किन्नौर घाटी और इधर शिमला से ऊपर जो सेवों की वैली है उसमें सारे में पूरा हिमाचल में घुमा हूँ। उत्तराखंड का सारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारा मैं बाई रोड खुद ड्राइव करके गया हूँ। जाहिर है विधायक राजेंद्र यादव जिंदगी के इस सफर में अपने ही अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे हैं।